आज 3 जुलाई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 3rd जुलाई 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। विशेष ये मुरली नए साल की है, 10 जनवरी 1991 ये रिवाइज डेट है। आज की मुरली के लिए आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना चाहिए। वैसे भी अव्यक्त मुरली काफी सारे भाई बहनों को बहुत हाई डोस लगती है, बहुत डीप होती है और बाबा ज्ञान का सागर है और बहुत महत्वपूर्ण बात इतने सिंपल शब्दों में, कम शब्दों में बच्चों के सामने पूरा सार रख देते हैं। ये ज्ञान के सागर शिव बाबा की सचमुच में कमाल है। तो जो चातक बाबा के बच्चे हैं, चातक माना मुरली के दीवाने बाबा के बच्चे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में वो पक्षी का गायन है कि स्वाति नक्षत्र में वो पक्षी चातक उस स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस लगाकर बैठता है, ऐसे बाबा के चातक बच्चे राह देख रहे होते कि बाबा कब मास्टर स्ट्रोक प्ले करता है। तो आज की मुरली माना भगवान का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे हम। टाइटल ही इतना सुंदर है, चार सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। वर्तमान समय और पूरे कल्प की पूरी अवस्थाओं को एक मुरली में पैक कर दिया बाबा ने, इसलिए इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। इतनी गुह्य बात और कितना सरल तरीके से समझाता है। जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, पारस बुद्धि होगी, उतना उसको ज्यादा हिट होगी बाबा की बातें और उस नशे में चले जाएंगे। तो बाबा ने विशेष दुनिया की तीन शक्तियों के बारे में बताया, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता। ये लौकिक दुनिया में है और बाबा ने इन तीन सत्ताओं से चौथी सत्ता अलग बताई है और वो है ब्राह्मण आत्माओं की सत्ता, या जिसे श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता कह सकते हैं या श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता भी कह सकते हैं। सत्ता माना पावर, तो कौन सी पावर है इस समय? एक धर्म की पावर है, दूसरी है राज्य करने की पावर है, तीसरी है साइंस की पावर और बाबा के बच्चों की श्रेष्ठ कर्मों की या चरित्र की पावर। और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि इन चारों सत्ताओं द्वारा हम बाबा के बच्चे अपना भी और विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। और बाबा के बच्चे भी ये स्पष्ट अनुभव करते कि हम सबके अंदर ये चारों ही सत्ता है और एक एक सत्ता के गहराई में बाबा ने गए हुए हैं। इसलिए नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना चाहिए और जो डेफिनेशन बाबा ने दी है हर एक सत्ता की और उसका यथार्थ आध्यात्मिक अर्थ बताया, वो नोटबुक और पेन लेके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो धर्म सत्ता, तो धर्म माना क्या समझते हैं लोग? कि पूजा पाठ करना है ना,
कर्मकांड करना, यात्रा करना, दान करना, जिसको बाबा हमेशा चार शब्द जो श्रीमद् भगवत गीता के हैं, जो बाबा इस्तेमाल करता है, यज्ञ, दान, जप, तप, उसको धर्म समझते हैं। लेकिन भगवान क्या कहता है, धर्म का अर्थ, धर्म सत्ता, मतलब कितना सुंदर डेफिनेशन व्याख्या बाबा ने की है, सदा, कभी कभी नहीं, सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला, दैट इज धर्म सत्ता। इसको दूसरी शब्दों में कहते हैं धर्म अर्थात धारणा। तो चेक करना चाहिए, पहला चेक पॉइंट है, क्या मेरे अंदर धर्म की सत्ता है, या दूसरों शब्दों में कहे क्या मैं सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीता हूँ। अगर ये बातें मेरे पास है, सदा, कभी कभी नहीं, सदा, बाबा ने तो यहाँ तक कहा है संकल्प मात्र भी दुख नहीं हो और स्वप्न में भी दुख नहीं हो, सदा श्रेष्ठ खुशी और खुशनुमा जीवन, तो कहेंगे धर्म सत्ता है। राज्य सत्ता बाबा ने बहुत बार कहा है, राज्य अर्थात अपने कर्म साथियों को स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति और संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। राज्य अधिकारी अर्थात राजा, राजा अर्थात अधिकारी, और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते, फिर वो हमारा शरीर हो, हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हो या अन्य आत्मा हो, हरेक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो। तो जैसे राजा को प्रजा स्वीकार करती है, जैसे अभी वर्तमान में भी पॉलिटिकल लीडर जो होता है उसको मेजॉरिटी स्वीकार करते हैं, तब उसको राजा ही मिलती है, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या ये सब स्वयं और अन्य आत्माएं हमसे संतुष्ट है? तो राज्य सर्था अर्थात बाबा ने कहा स्वयं चलना भी और औरों को चलाने की भी कला, राजा माना जिसको सब स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, वो राजा बनता है। तो धर्म सत्ता हो गई, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता भी, ज्ञान विज्ञान के ऊपर बाबा ने पहले भी कहा है, ज्ञान सृष्टि चक्र का ज्ञान है, और विज्ञान जो दुनिया में समझते वो विज्ञान नहीं, वो समझते चांद पर जाना, मंगल पर जाना, ये विज्ञान है। बाबा ने कहा नहीं, विज्ञान सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराना। तो विज्ञान के जो भी साधन है तुरंत सुख देते, फिर एसी हो वगैरह वगैरह, कार मोटर हो, सुख के साधन प्रत्यक्ष फल के अनुभव कराते हैं। चौथी श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात वर्तमान खुशी और शक्ति का अनुभव करना और साथ साथ भविष्य भी जमा करना, यह है श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। ये केवल संगम युग पर इसका अकाउंट होता है, भक्ति मार्ग में एक जन्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1:21 रेशो है, अभी हम जो करेंगे 21 जन्म हमारे साथ चलेगा। तो कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला, जितने कर्म श्रेष्ठ है, खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उतना रूहानी नशा या बेफिक्र बादशाह की अवस्था। और इन चारों में बाबा ने फुल मार्क्स किसको दिए है, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। दूसरा डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन हमने धर्म सत्ता का देखा, अभी दूसरा डेफिनेशन बाबा कह रहा है, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं तो मानव जीवन नहीं, पशु समान जीवन है। माना आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, सुख के साधन, वैभव, लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो पशु समान जीवन है। तो पशु भी क्या करते हैं, चार बातें शास्त्रों में बताई है पशु क्या करते हैं। तो चार बातें कौन सी है जो शास्त्रों में बताते हैं, बाकी जो संस्था है वो भी इन चार बातों का श्लोक सुनाते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना पीना सोना और विकार में जाना, ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन पशु श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। तो अगर हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का खजाना नहीं है तो पशु समान जीवन है, भगवान उवाच है। चेक करें,
कि पशु में और मेरे अंदर क्या फर्क है। एक में शायद संत कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कुत्ता होता है श्वान, वो कुत्ता भी सीजन में जाता है विकार में, लेकिन वर्तमान समय मनुष्य जो है बगैर सीजन, सीजन भी नहीं देखता, दिन रात भी नहीं देखता है, तीर्थ यात्रा भी नहीं देखता है, तो कुत्ते से भी गिरा हुआ है, ऐसे कुछ संतों ने कहा हुआ है ना, पशु से भी गिरे हुए हैं, बहुत सारी निगेटिविटी है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का खजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको पशु से डिफरेंशिएट करता है। और हम बाबा के बच्चे सबको चैलेंज करते हैं कि बेफिकर बादशाह देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी में आओ, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव करो। तो बाबा कहते आप बच्चे के अथॉरिटी से ये कह सकते हो, और जब आपके अंदर ये चारों सत्ताओं का बैलेंस है, धर्म अर्थात धारणा, राज्य अर्थात बाबा ने बहुत बार कहा है स्वराज्य अधिकारी, माना मन बुद्धि कर्म संस्कार के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, और तीसरा विज्ञान माना योग, माना चांद और तारों से भी पार, और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, ये चारों में अगर बैलेंस है तो बाबा ने रिजल्ट बताया, ये चारों बैलेंस है वही आत्मा एकरस स्थिति पर रहेगी और सदा अचल अडोल रहेगी। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं सदा अचल अडोल रहती हूँ, सदा एकरस रहती हूँ या अनेक रस में हूँ। तो अनेक रस या हलचल में आने का कारण बाबा ने बताया, इन चारों सत्ताओं में बैलेंस नहीं है। तपस्वी को हमेशा आसन पर दिखाते हैं, है ना? तो अगर इस आसन पर हम स्थित नहीं है तो समझने का कि हम चारों में बैलेंस नहीं रख रहे, हर सेकंड बेफिक्र बादशाह का अनुभव। अभी बाबा के शब्द देखो, बेफिक्र है, शास्त्रों में दो लक्षण बताए हैं, निश्चिंत अवस्था, बाबा उसको कहता है बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत अवस्था शास्त्रों का शब्द है, और दूसरा कोइंसिडेंसेस, योगा योग होते रहेगा आपके जीवन में, बहुत कॉमन होगा, आपने संकल्प किया और आपका काम हो गया। तो बाबा ने इसी को कहा राजयोगी, प्रजा योगी नहीं है बाबा के बच्चे। तो जितना अधिकारी हम बनते जाएंगे उतना सर्व के सत्कारी बनते जाएंगे, अधिकारी की निशानी है सत्कारी। बाबा ने संतुष्टता का सर्टिफिकेट बहुत बार कहा है, तो राजा की निशानी है कि उसके ऊपर संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा होगी, सभी उसकी महिमा करेंगे, वाह वाह के गीत गाएंगे। जैसे किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो जैसे आप बालाजी के मंदिर में कभी गए हैं, कृष्ण का मंदिर है साउथ में, हर स्टेट में अलग अलग है, गुजरात में श्रीनाथ द्वारे है, महाराष्ट्र कर्नाटक में पांडुरंग का मंदिर है, या जगन्नाथपुरी है उधर ईस्ट के तरफ, तो हर जगह पे श्री कृष्ण का मंदिर है। तो मैंने देखा है इतना प्यार करते हैं श्री कृष्ण से, जैसे वो दर्शन करते हैं तो जोर से हाथ ऊपर करके बोलते हैं गोविंदा 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 करके, तो ये वाह वाह गा रहे हैं उसकी, वाह वाह। मथुरा में भी हमने देखा कि वो कृष्ण का पर्दा हटाते हैं तो फिर से सभी गोविंदा 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 कहते हैं, तो ये राजा की वाह वाह है ना। आजकल के राजाओं के अल्पकाल की वाह वाह होते हैं, कुछ साल तक रहते हैं पर कभी कुर्सी से उतार देंगे पता नहीं चलता, लेकिन बाबा कहते हैं 21 जन्म 21 पीढ़ी आपको राजा ही मिलेंगे। तो वाह वाह यहाँ पर ही होंगी, यहाँ पर ही बाबा के राजा बच्चे जो होंगे, जो राज्य अधिकारी होंगे, उसके बच्चे दिल से वाह वाह करेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे द्वारा सभी आत्माएं संतुष्ट है, पर वो कब होंगे, सबसे पहले हमारे कर्म के साथी, जिनके साथ हम फील्ड पर है, जिनके साथ हम सेवा के क्षेत्र पर है, हमारा लौकिक परिवार या अलौकिक ब्राह्मण परिवार क्या हमसे संतुष्ट है। और इसका आधार भी बाबा ने कहा कि मेरी कर्मेंद्रिया, लव और लॉ दोनों ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी मजबूरी से चल रहे या मोहब्बत से चल रहे हैं, दिखावा मात्र है या दिल से चल रहे हैं। तो चेक करना चाहिए, पूरे दिन में हम चेक करेंगे कि कर्म संबंधी और साथी
संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं कितने परसेंटेज में मेरे द्वारा संतुष्ट और हर्षित है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कम से कम 95% होना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे बोलते नहीं, इनके साथ हमारे कड़े हिसाब किताब है। बाबा ने कड़े हिसाब किताब को भी 5% मार्जिन दिया हुआ है। 5% हम समझ सकते कड़े हिसाब किताब है ना। कड़े हिसाब किताब वाले हर बात में आपकी निगेटिविटी देखेंगे, आपकी टीका करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, पर वो 5% रहते हैं। 95% तो आपसे संतुष्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमको रिट्रोस्पेक्टिवली खुद की चेकिंग करनी चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे कौन सी कमी है जिसके वजह से 95% आत्माएं मुझसे संतुष्ट नहीं है। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग, बाबा ने कहा कि विज्ञान क्या करता है, सुख और आराम की अनुभूति कराता है। तो जैसे एसी से सुख मिलता है, तो बाबा ने कहा हमारा विज्ञान, बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा ज्ञान विज्ञान, ये शब्द दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, ये भी बाबा ने कहा। तो विज्ञान माना योग शक्ति। तीसरी डेफिनेशन बाबा ने दी है, विज्ञान माना योग की शक्ति। योग ही सबसे बड़ा विज्ञान है, और साइंस में साधन है और यहाँ साधना है। वो साइंस वाले बाबा ने उदाहरण दिया कि सूर्य तक भी पहुँच नहीं सकते, और जो विज्ञानी अर्थात योगी है वो चंद्रमा और सूर्य से भी पार मन बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में बिना किसी खर्चे के सेकंड में वहाँ पहुँचते हैं। तो टाइम की मनी भी नहीं और स्थूल मनी भी नहीं लगती, बाबा ने कहा। इसलिए योग सबसे बड़ा विज्ञान है। तो वहां पे एसी में आराम करेंगे, और यहाँ पर योगी अपनी शीतल स्थिति के द्वारा शीतलता का अनुभव करेंगे। जब चाहे तब शक्ति स्वरूप बने, और जब चाहे तब शक्ति स्वरूप बने। तो बाबा ने स्पष्ट फर्क बताया कि ये विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देता है, लेकिन हम सदा आराम में रहते हैं। हम सदा चैन की नींद में सोते हैं। चैन से उठते हो, चैन से सोते हो, चैन से कार्य करते हो, और वहां पर बेचैनी है। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में क्या मैं चैन की अवस्था में रहता हूँ। अगर नहीं तो समझना चाहिए कि विज्ञान की सत्ता नहीं है। बाबा ने और एक बात कही कि विज्ञान मनोरंजन भी करता है। विज्ञान की शक्ति वाला कभी भी उदास नहीं हो सकता। उदास बाबा की डेफिनेशन है, उदास माना मन का दास। जो दास बनते हैं वो उदास होते हैं। तो बाबा ने कहा कभी कभी बाबा के बच्चों में 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। तो जो राजा होंगे वो कभी उदास नहीं होंगे, मन सदा मौज में रहेगा। एकांत में भी मौज है तो संगठन में भी मौज है। कई लोग मैंने देखा चलते चलते कहते हैं कि इन लोगों के साथ में रहकर अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है तो दूर कहीं चले जाए। तो कई लोग एकांत में चले जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। बाबा ने कहा नहीं, संगठन में हो और एकांत में हो, दोनों में मौज का अनुभव करना चाहिए। कभी रूठना नहीं है, मुँह को फेर नहीं कर देना है, ठीक है। सो विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है, ऐसे ही धर्म सत्ता की भी बात कहाँ है। चौथी डेफिनेशन आपको लिख लेना चाहिए कि ब्राह्मण जीवन की डेफिनेशन बाबा ने कही है, सदा निर्विकल्प निर्विघ्न निर्विकर्मी। तीन नी है और चौथा है सदा निराकारी सो साकारी। यही जीवन जीने की कला है। तो जीवन जीने की कला किसको कहते हैं, लोग किसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। वो एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, उसमें वो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, एक सांस लेने की तरीका, सांस लो और छोड़ो और हमसो सोहम मंत्र के ऊपर, और उसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। बाबा ने जीवन जीने की कला, देखो भगवान क्या कहता है और देहधारी गुरु क्या कहता है, हद के गुरु क्या कहते हैं। भगवान की जीवन जीने की कला की डेफिनेशन सदा निर्विकल्प निर्विघ्न निर्विकर्मी सदा निराकारी सो साकारी, यह है जीवन जीने की कला। कोई भी हद की इच्छा नहीं, अप्राप्ति नहीं, सदा ये गीत ऑटोमेटिकली चलता रहे हमारे अंदर, पाना था सो पा लिया, अभी हमारी कोई इच्छा नहीं, सदा एक रस, सदा एक रस अवस्था में रखा रहेंगे। तो बाबा ने कहा चेक करना है कि क्या मैं सदा खुशनुमा जीवन जीने की कला जीता हूँ, या कभी खुशी कभी गम है, कभी मरता हूँ कभी जीता हूँ, कभी सांस रुक जाता है कभी ढीला हो जाता है।
या कभी तेज हो जाता है। तो ऐसे ऊपर नीचे वाली अवस्था, हलचल वाली अवस्था, ये धर्म सत्ता की निशानी नहीं है। तो चारों ही सत्ताओं को हम चेक करेंगे अपने अंदर, धर्म सत्ता धारणा की शक्ति कितनी है, राज्य सत्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी कितने हैं, विज्ञान सत्ता अर्थात योग की शक्ति हमारे अंदर कितनी है, और श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति कितनी है। और जो दो बातें हम हमेशा चेक करते हैं, बाबा ने आज उसको फिर से याद दिलाया है। बाबा ने तो देखो कितना अच्छा टीचर है, ऐसा टीचर सबको मिले जो समय से पहले कौन सा क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है सब बता देता है। बाबा ने कहा कि अंतिम समय आप कहोगे सब ठीक हो और तब मैं अचल हो जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होना। लास्ट में एकांत में बैठकर पेपर देना है, ऐसे नहीं समझना। बाबा ने पेपर कब आएगा वो भी बताया, अटेंशन देना। बाबा ने कहा अति हलचल में अति अचल होना, ये है पेपर। सो पेपर आउट हो गया है ब्रह्मा कुमारी का, अभी तो फुल पास होने के फुल चांसेस है। पेपर क्या आएगा वो पहले से ही टीचर ने बता दिया है, बहुत अच्छा टीचर है। कौन सा पेपर है? अति हलचल में अति अचल, जितना हलचल बाहर उतना ही अंदर से अति अचल। और यही क्वेश्चन आएगा, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है, इसलिए अभी से अभ्यास करें। ये बाबा ने 91 में कहा था, आप कैलकुलेट करो, आज से 30 साल पहले 32 साल पहले बाबा ने कहा था कि ये पेपर आएगा। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको कहा जाता है विजय रतन। तो जो भी बाबा के बच्चे विजय माला के मन के में आना चाहते हैं वो चेक करें, हलचल में मैं अचल रहता हूँ, जिसको बाबा ने अलग तरीके से अलग अलग मुरलियों में कहा है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते कि शांति चाहिए, चारों तरफ आवाज़ नहीं चाहिए। अभी अच्छा है कि शांति का वायुमंडल आपको मिले, लेकिन बाबा ने कहा अंतिम समय ऐसा नहीं होगा। अशांति में जो शांत रह के बताए वही सच्चा योगी है। आज बाबा ने उसको विजय रतन का टाइटल दिया है। तो चेक करना है क्या मैं विजय रतन हूँ, सेकंड में फुल स्टॉप लगता है, जैसे मैं अपनी चेकिंग करता हूँ फुल स्टॉप कितना जल्दी लगता है और डिटैच कितना जल्दी हो जाते हैं, ये चेकिंग है। और यही बाबा के बच्चे मार्क्स लेने वाले हैं, जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं सेकंड में डिटैच होते हैं। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, मासी का घर ने बहुत साक्षी स्वरूप अभ्यास चाहिए और फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए, विस्तार में जाने का अभ्यास नहीं चाहिए, नहीं तो ये हलचल में आ जाएंगे। तो बाबा ने विशेष चारों ही सत्ता में बैलेंस रखने को कहा है। तो चेक करेंगे क्या मैं चारों ही सत्ता में मेरे अंदर बैलेंस है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर अटेंशन देके चेक करके चेंज करना है। फिर बाबा विशेष पार्टियों के साथ मुलाकात में निरंतर योग की बात बाबा ने फिर से कही है कि निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति होती है, कभी आनंद कभी दुख ऐसे नहीं, निरंतर आनंद की अनुभूति। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं निरंतर योग की अवस्था में रहता हूँ, स्मृति स्वरूप रहता हूँ, या मेरी स्मृति से मैं नीचे आ जाता हूँ, विस्मृति में आ जाता हूँ, और क्या अभी भी मैं माया से युद्ध करता हूँ, माया से युद्ध करने में मेरा टाइम चला तो नहीं जाता, माया आए मैं युद्ध करूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निरंतर बाबा की याद, माया हार पहनाने के लिए नहीं है, हार खिलाने के लिए नहीं, लेकिन हार पहनाने के लिए आए। माया भी सैल्यूट करे, जैसे बड़ी दादी जब अव्यक्त हुई थी तो बाबा ने वतन में एक दृश्य दिखाया था कि पांच तत्व और पांचों ही माया, माया जीत और प्रकृति जीत, दादी को टाइटल दिया कि दोनों हार लेके खड़े थे दादी के लिए। तो ऐसी हम सब की अवस्था हमको बनानी है कि प्रकृति जीत और माया जीत, साधारण अवस्था भी नहीं, हमेशा शक्तिशाली अवस्था, क्योंकि साधारण अवस्था होगी तो अलबेला बनाएंगे। बाबा ने उसका उदाहरण दिया अलबेलापन का, क्या अलबेलापन का उदाहरण है, रोज मुरली सुनते हैं सेवा भी करते हैं लेकिन जितना और जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, चल तो रहे लेकिन स्पीड नहीं है। रमेश भाई हमारे कहते थे कि कई बाबा के बच्चे परिचय देते समय कहते हैं कि 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ,
अभी 25 साल हो गए, अभी भी चल रहे हैं, दूसरे वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं और उड़ रहे हैं, और अभी भी आप चल ही रहे हो। तो बाबा ने यही बात आज के मुरली में कही, चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। अभी केवल एक ही स्टेज है, फ्लाइंग स्टेज, उड़ो और उड़ाओ। चलना भागना दौड़ना बहुत हो गया, अभी परिस्थिति रूपी पहाड़ को तोड़ना भी नहीं है, छलांग लगा के क्रॉस कर देना चाहिए। अभी की अवस्था यही है, तो उड़ो और उड़ाओ, यही अभी हमारी स्टेज सबकी होनी चाहिए। कहीं पर भी फंसना नहीं है। और बाबा कितना पॉजिटिव है, मुझे बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा ने कहा आपके कर्म इतने श्रेष्ठ है कि लास्ट जन्म में भी देखो कितना है। बाबा कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कहता है भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो मिलती है, बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, ऐसे भक्ति मार्ग में जो कहावत है। तो बाबा ने कहा जो फकीर बनकर रोटी मांगो वो दुखी होते हैं, उस हिसाब से हम अति दुखी नहीं होते हैं, लेकिन सतयुग के हिसाब से हम दुखी है, नहीं तो हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है, हम देवता है। तो सुखदाई बने हम सब बाबा के बच्चे। बाबा ने इस वरदान में यही बात कही है कि ब्राह्मणों का संसार न्यारा है, दृष्टि वृत्ति न्यारी है, चलते फिरते केवल आत्मा दिखाई दे, वृत्ति में आत्मिक भाव हो, और जो आत्मा ये करने में सक्सेसफुल होती है उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रहता। बाबा ने एक मुरली में इतनी डीप बात कही थी कि बाबा ने कहा था कि जिन आत्माओं की आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है उनके विकर्म सहज विनाश हो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, अभ्यास केवल इतना करना है कि आत्मिक दृष्टि। और बाबा ने दुख का कारण भी बताया कि दुख क्यों आता है बच्चों के पास, तो दुख आने का कारण है शरीर भान। और जो बच्चे शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सदा सुख स्वरूप रहते हैं। तो आज के बाद कोई कंप्लेंट नहीं, बाबा दुख क्यों आता है, दुख का कारण है देह भान और सुख का आधार है आत्मिक स्वरूप। जो ऐसे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सदा सुख स्वरूप रहते हैं, उनका जीवन ही सुखदायी बन जाता है, और वो सुख की शैया पर सोते हैं, सुख की शैया पर वो सोते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं सुख शांति की शैया पर सोया हुआ रहता हूँ। दुनिया में भी ये कहावत है कि जिसके पास जो होता है वो देगा। आपके पास सुख है तो आप सुख देंगे, आपके पास दुख है तो आप दुख देंगे। जिसके अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। तो जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे दिन भर में एक ही अभ्यास, बहुत भाई बहन कहते इतना सारा विस्तार ज्ञान हो गया क्या हम अभ्यास करें, तो उसका जवाब आज की मुरली में बाबा ने दिया, केवल एक अभ्यास। कौन सा अभ्यास? आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, जिसको सोल कॉन्शियसनेस कहा है। बस इसी में सब कुछ आ जाता है, ए टू जेड, अल्फा टू ओमेगा, सब कुछ इस एक अभ्यास में आता है। वो है आत्मिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति, चार शब्दों में सब कुछ आ गया। और जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते अनुभव के साथ, कहते हैं कि आपको बहुत सुख का अनुभव होगा, बोलने का भी दिल नहीं करेगा, आप किसी के साथ आर्गुमेंट में नहीं जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे, आपको रहम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये सब कैसे होता है? आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से होता है, और भगवान का प्यार भी हमको ऑटोमेटिकली मिलेगा। और एक कंप्लेंट होती है बाबा के बच्चों की कि बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है, मदद का अनुभव करते हैं लेकिन प्यार का अनुभव नहीं करते हैं। एक्चुअली मदद भी प्यार का ही एक तरीका है, लेकिन रियली परमात्मा प्यार का अनुभव, तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि परमात्मा प्यार का अनुभव करना है तो न्यारा हो जाओ, न्यारे हो जाओ। जितना न्यारे होंगे उतना परमात्मा प्यार का अनुभव करेंगे। तो यही आज का स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। तो जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, खुद को देखते रहेंगे, उतना हमको हमारी कमियों का रियलाइजेशन होगा, और उतना हम चेक करके चेंज करके बाबा की याद में रहेंगे, उतना बाबा का प्यार हमारे ऊपर बरसता रहेगा।
तो पूरी मुरली बैलेंस के ऊपर है, बैलेंस ब्लेसिंग और ब्लिस। बाबा ने इसके बारे में कहा है कि जितना बाबा के बच्चे बैलेंस में रहेंगे उतना उनको खुद की, अन्य आत्माओं की और परमात्मा की ब्लेसिंग मिलेगी, और जिनको इन तीनों ब्लेसिंग्स मिलते हैं वो हमेशा ब्लिसफुल स्टेज में रहते हैं। तो बैलेंस लीड्स टू ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग लीड्स टू ब्लिसफुल अवस्था। सो बैलेंस से आनंद की अवस्था रहती है, तो ऐसे आनंद स्वरूप बने रहे, बाप समान संपन्न और संपूर्ण अवस्था का अनुभव करें। आज 3 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन, अपने आप को हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक सुख आसन में स्थित हो जाएंगे। ध्यान अपने आप, बहुत काल का अभ्यास, अकाल तख्त नशीन आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग आत्मिक स्वरूप में स्थित स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप हूँ, सुख के सागर शिव बाबा से सुख के पुष्पों की वर्षा मेरे ऊपर हो रहे हैं। मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, बाबा की याद में परमात्म प्यार का अनुभव कर रहा हूँ, शरीर से डिटैच हो चुका हूँ, अपने आप बाबा मेरे ऊपर सुख की वर्षा कर रहा है। मेरी दृष्टि और वृत्ति आत्मिक बनते जा रही है, शरीर का भान पूरी तरह से समाप्त, बहुत हल्का लग रहा है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं आत्मा बैलेंस में चल रही हूँ। मेरे अंदर चारों ही सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता का अनुपम संगम है। आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। सभी आत्माएं मेरे द्वारा संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं, मैं भी सभी से संतुष्ट हूँ और परमात्मा भी मुझसे अति संतुष्ट है। मैं बेफिकर बादशाह हूँ, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। मैं सुख चैन में रहने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, संपन्न हूँ और संपूर्ण हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम बेफिक्र बादशाह हो, तुमने कल्प कल्प बैलेंस द्वारा सभी की ब्लेसिंग ली है और ब्लिसफुल अवस्था में रहने वाले तुम महान आत्मा हो, तुम सुख के सागर के बच्चे हो, मास्टर सुख के सागर हो। तुमने हमेशा परमात्म प्यार से भरपूरता का अनुभव किया है, क्योंकि तुम न्यारे और प्यारे रहते हो। कल्प कल्प के तुम स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी हो।
तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ अपना और विश्व का कल्याण करो। बाबा से दृष्टि लेकर और वरदान लेकर मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, तृप्त हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ और बाबा को सच्चे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांत।